हजारों लाखों करोड़ों भक्त सत्संग सुनते हैं, उनके अंदर अथाह प्रेम है। तो ये उपकार को याद करना चाहिए, ऐसे माता पिता को उपकार याद करना चाहिए कि जब उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, कम से कम उनको कुछ दे ना सको तो उनकी इज्जत तो न लो माता पिता की। ऐसा दुष्कर्म मत करो, ऐसा कुकर्म मत करो। ये मांस मछली अंडा नशा शराब, ये बुराई व्यभिचार कि माता पिता की इज्जत भी बिगाड़ दिया, दादा दादी बाबा की सब इज्जत ले डाला तुमने, नाम खत्म कर दिया, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे तो चाहिए ये, अगर आपके पिताजी ने आपको कंधे पर बिठाया है तो कंधे पर मत बिठाओ। फोर व्हीलर गाड़ी खरीदो, उसमें बिठाकर गुरु का दर्शन कराओ। जैसे श्रवण कुमार थे तो उनके माता पिता अंधे थे, तो श्रवण कुमार अपने कंधे पे दोनों तरफ वो बांध दिया था पालकी जैसा, उसमें बिठा लेते थे, एक तरफ पिताजी दूसरे साइड में माताजी, और कंधे पर रख के ले जाते थे। उनके कंधे भी बड़े मजबूत थे और माता पिता दोनों अंधे थे, कोई जन्म के कर्म उदय हुए तो अंधे हो गए, लेकिन उससे घुमाते थे उनको, तीर्थाटन कराते थे। तो श्रवण कुमार जैसे तुम भी भक्त बनो, कंधे पर मत बिठाओ लेकिन गाड़ी में बिठाओ, इतनी उन्नति करो, इतना विकास करो कि फोर व्हीलर गाड़ी लाओ, कार लाओ अच्छी सी। माता पिता को बिठा करके सबसे बड़ा तीर्थ होता है सत्संग तीर्थ, सत्संग रूपी तीर्थ मिल जाओ, सत्संगम तीर्थम, प्रेम तीर्थम, भक्ति तीर्थम, गुरु दर्शनम तीर्थम भवेत्। गुरु का दर्शन भी तीर्थ का फल देता है, और सत्संग उनका प्रवचन तीर्थ है। उनके चरणों में जाओ, सानिध्य में जाओ, माता पिता को ले जाओ। मैं बकानी में सत्संग कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ राजस्थान में, तो मेरे भैंस गादी के पड़ोस में साइड में मंडप के बाहर लगा देता था और उसका गेट खोल देता था कार का, और पर्दा उठवा देता था, तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी हमको देखता रहता था। तो हमने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये हमारे ताऊ जी है। हमने कहा ये क्यों उसमें बैठे रहते, इनको उतारो। बोले उतर पाते ही नहीं और नीचे बैठ नहीं पाएंगे, तो कार से दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इनको हम कार मिलाकर सुनवा देते हैं। इनकी इच्छा है हम भी चलेंगे सुनेंगे, और मेरी इच्छा है ये भी सुने, क्योंकि गुरुदेव शरीर तो कमजोर है लेकिन मन कमजोर इनका भी नहीं है, और इनके अंदर भी दुख सुख तो सब होता ही है। तो आपका ज्ञान सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, थोड़ा मन ठीक हो जाता है इनका भी, और नेचर सुधर जाता है, लेक्चर सुधर जाता है, बोलने का तरीका सुधर जाता है, ये भी सुखी रहते हो, इनसे सब परिवार प्रसन्न रहता है। तो सुनने के लिए आए। बूढ़ों को सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं ना बड़े अड़ियल हो जाते हैं, जिंदगी भर जिस ढर्रे से चले हैं वो ढर्रा बदलने नहीं चाहते। बूढ़े आदमी को सत्संग का असर पड़ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, क्योंकि कितने घरों के बूढ़े लोगों ने घर के जवानों को इतना तंग कर रखा है, इतने जिद्दी है, इतने हठी है, कोई सुनते नहीं, कोई मानते नहीं, और बात तो रात दिन करते हैं, बातचीत तो उनकी बंद ही नहीं है, बतलात बहुत है। कोई बात करने वाला न मिले तो उस दिन बीमार हो जाते, रात दिन बतलाते, और बातचीत करके वे अपने को बहादुर खां समझते हैं कि हम बहुत बहादुर आदमी। और बात सुनने वाले जो ठिलुआ आते हैं वो इसलिए बात सुनते हैं कि बात सुनोगे 10 मिनट तो कम से कम एक चाय पिए ही हो, और दूसरी जगह जी हो चाय पिए तो 5 रुपये 10 रुपये खर्च हुए, चाय नाश्ता करो कि गप्पे सुन लो का फर्क है। तो ऐसे भी ठिलुआ गाँव घूमत है कि वो गप्पे सुनते हैं, गप गप खाते हैं बिस्कुट और चाय पिए थे लप लप लपक के, बस यही धंधा उनका है। तुम समझे थे हम इनका अपनी बातें सुनाई थे, हम बुद्धिमान हैं, नहीं बुद्धो ही सुनत, अब वही समझते हैं तुम मूर्ख हो, तुम्हारे 10 रुपये का नाश्ता कर ले बन जाए रहे हाथ जा रहे हमें का करके। सब ठगवा के हैं, ठगवा ही मिला, सब इसे बवाल चलता रहता है लोगों का।
ज्यादा बात मत करो, हर समय बात करने की आदत को छोड़ो। ज्यादा बात करने से बात से वाद विवाद हो जाता है और बुढ़ापे में माइंड कमजोर हो जाता है। बूढ़े लोगों को इस अहंकार को भी छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। कितने बूढ़े कहते हैं हम बहुत दुनिया देख चुके हैं। अरे तुम देखे चाहे जत्ती हो लेकिन तुम अपना कभी नहीं देख पाओ, रहे हो वैसे ही बांगड़ू मूर्ख, अक्ल कुछ नहीं ठिकाने है। कुदाल फरुहा से अलावा कोई डेवलप नहीं हुआ तुम्हारा, और साइकिल से आगे कुछ विकास नहीं हुआ, और दुनिया सब देखो लेकिन तुम रहे हो तिकोनी बन के। तो दुनिया देखने से मतलब क्या निकला? और बुद्धि का रिश्ता कोई बूढ़े और जवान से नहीं होता है, बच्चे से नहीं होता। बुद्धि और संस्कार और विकास प्रखरता इसका उम्र से संबंध नहीं है। कितने लोग कम उम्र में कमाल कर देते हैं। महाराजा दशरथ बहुत बूढ़े थे और राम बच्चे थे, लेकिन राम का मुकाबला क्या दशरथ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दशरथ दशरथ है, दशरथ दशरथ है, राम राम है। राम बहुत बुद्धिमान थे, महाराजा दशरथ उतने बेचारे बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान को जन्म दे दिया उन्होंने और पालन पोषण किया। लेकिन मूर्ख भी नहीं थे राजा दशरथ, होशियार तो थे वो भी, पर कहीं चूक गए बेचारे, कई कई के चक्कर में, मोह ममता में, वासना में, तो उसमें मोह में मर गए। लेकिन राजा दशरथ बचपन से ही राम को गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भेजते हैं कि जाओ वहां सीखो, संस्कृति सीखो, संस्कार सीखो। फिर विश्वामित्र के सानिध्य में अर्पित कर दिया, और विश्वामित्र और वशिष्ठ उनके यहां क्रमशः प्रायः आते रहते थे। जिस राजमहल में, जिस घर में, जिस मनुष्य की जिंदगी में किसी संत की वाणी, किसी संत का ज्ञान, विशेष संत, महान संत, अप टू डेट संत, एकदम परफेक्ट संत, इफेक्ट संत, पॉजिटिव संत, प्रखर संत का ज्ञान गूंजता रहता है, उसके घर में भी महान संत के चित्र तस्वीर का दर्शन होता रहता है, और उसके प्रवचन की आवाज सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिला गूंजती है कानों में, तो समझ लो उस घर के लोग बुद्धिमान हैं, अन्यथा वहां पर ये सत्संग का वातावरण नहीं हो सकता था। और जिसके घर में सत्संग का वातावरण है तो याद रखना उसमें राम जैसे गुण वाले, लक्ष्मण जैसे गुण वाले कोई ना कोई संतान का जन्म होता है, और वो घर भी धन्य होता है, मंदिर जैसा होता है। इसलिए बूढ़ों को अहंकार नहीं करना चाहिए, और बच्चों को ये भी नहीं सोचना चाहिए मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ, एमए हूँ, एमएससी हूँ, एमबीबीएस हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ, डीलिट हूँ, पीएचडी हूँ, एमडी कर चुका हूँ, आईएएस, पीसीएस, पीस दूंगा बाप को, पीसीएस बनकर आया हूँ, पीसूंगा तुम्हें। ये सब घमंड छोड़ दीजिए। आप उम्र से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भी कीजिए, तभी आपकी महत्ता है। नहीं तो आप जैसे पीसीएस आईएएस बहुत घूमते हैं, अरे पीसीएस आईएएस हो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, ज़्यादा वेतन पा जाओगे, लेकिन घर में तो नरक बना दिया तुमने, बाप के दो लात मार दिया, माँ को धक्का मार दिया, और घर में तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है, तुम्हारे पीसीएस आईएएस बनने से होता क्या है? तुम्हारे अभिमान इतना है तुम पैर नहीं छू सकते अपने माता पिता के, घमंड लिए घूमते कि मैं एसपी हूँ, आईएएस हूँ। अरे तू आईएएस मत बन, बन तो बन, लेकिन तेरे बनने से होता क्या है? तेरी नम्रता कहाँ चली गई? इतना घमंड क्यों आया? और आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए जिन्होंने फीस दिया, और तेरे बचपन में जिन्होंने सारा खर्चा किया कमा कमा कर, उनको अब तू पीस देगा, बड़ा पीसीएस बनता है, तेरे को शांति कभी मिलने वाली नहीं। विनम्र बनो, हाथ जोड़ना सीखो, बूढ़े माँ बाप का आदर करो, और बूढ़े गुरु का भी आदर करो, और गुरु की फिक्र रखो, गुरु की व्यवस्था बनाओ। खाली ऐसे नहीं उनके पास बैठे बैठे बस घंटन गप्पा मारते, हाँ 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 गिर जी है, और उसी में के दो चार मीठे पीस खाए रहे, उड़ाए रहे, अब अक्कल कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना, हाँ बस बेईमानी करके हुए घुसड़े बैठ मोड़ फैलाओ पारस।
अरे उठ के वहाँ से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, धुलाई करो, सफाई करो, फूल लगाओ, फूल खिलाओ, पौधे लगाओ, पेड़ पौधे सही करो, आश्रम बनाओ, उसको साफ सुथरा करो, डेंट पेंट करो, क्लियर करो, गुरुदेव के भक्त हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था करो, खाली वहाँ खीसे कड़क काम करो, पूरा मैनेजमेंट करो उनके पास में, तब शिष्यत्व की ऋण से उतर जाओगे, तो छुटकारा पा जाओगे। अब मैं हूँ, मैं गुरु जी के पास बैठता हूँ सुबह 1-1.5 घंटा वंदना में साथ बैठते हैं, फिर कभी बैठता हूँ शाम को, फिर कभी बीच में बैठ जाता हूँ 10 मिनट आधा घंटे, लेकिन मैं उनके मानसिक अनुसार सारा मैनेजमेंट करता हूँ कि उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको अच्छा रखना है, उनकी व्यवस्था सही जमाना है और उनको सुख से रहने की जरूरत है, उनके लिए बुद्धि लड़ाता रहता हूँ। हाँ, लेकिन उनके पास भी किसी को बैठना जरूरी है, बुजुर्ग है, तो जो उस योग्य है उनके पास बैठो, उनकी सेवा करो, पंखा डुलाओ, खाली बैठे मत रहो, उनके ऊपर मक्खी लग रही है तुम बैठे हो, अरे पंखा डुला दो, उनको प्यास लग रही है तुम बैठे हो, अपने आप टोटी पिए जाएगी, ये कौन मॉडल की श्रद्धा है, ये मूर्खता है। उनको पानी गिलास में लाकर प्रेम से पिलाओ, बहुत देर से बोल रहे हैं, बैठे हैं, निवेदन कर दो थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा लेट जाए, थोड़ा सो जाए, चादर उढ़ा दो, मच्छरदानी लगा दो, सोने दो, दिन में सोएं, रात में सोएं, दोपहर में सोएं, जब सोएं तब सोएं, सोने दो, बुजुर्ग आदमी, उनको तंग मत करो, उनकी व्यवस्था का ध्यान दो, ऐसे अपने माता पिता की व्यवस्था का भी ध्यान देना चाहिए। और माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि अब मेरी पारी खत्म हो चुकी है, अब मेरे बच्चों की पारी प्रारंभ हो गई है, अब शिष्यों की पारी प्रारंभ हो गई है, अब मेरी पारी का अंत, अब शिष्य लाएंगे बसंत, अब उसी में हम आनंद करेंगे, ऐसे भाव होना चाहिए। और शिष्य बनना छोटी मोटी बात नहीं है, जो बहुत ही पुण्य आत्मा है वही शिष्य बनता है, बहुत भक्त बनना कठिन है, आसान नहीं, गुरु से जुड़ना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, गुरु से जुड़ना, गुरु के भक्त बन जाना, जैसे ब्रजेश जी ने गुरुदीक्षा लिया, वो शशि कुमार भी गुरुदीक्षा लेने की इच्छा है, यादव जी भी सोचते हैं चलो भुर्जिक भार देख लो फिर भजवा ले दूसरे दिन, तो भुर्जिक भार देखे कि मतलब पहले गुरु का आश्रम देख लो, गुरु देख लो, उसके बाद आएंगे तो गुरु मंत्र ले लेंगे दूसरी तीसरी बार। सही भूंजत है कि पूरा जार डार थे चना गेहूँ सब, अगर जारते हुए तो रहे तो कच्चे रह जाते, कहना भुजवाओ तो देख लेन है भुर्जी सही, यानी गुरु है ठीक ठाक भूंज देते, तो अगली बार गुरु मंत्र ले लेंगे, लेकिन इच्छा है। पर भक्त बनना भी बहुत बड़ी बात है, गुरु मंत्र लेना, गुरु से रिश्ता बनाना, और जो विरक्त शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी बात है, वो आखिरी बात, वो छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि पूरा जीवन समर्पित करना, तन मन बुद्धि वही अर्पित कर देना, ये छोटी मोटी बात नहीं। अब जब अर्पित हो ही गए, समर्पित हो गए, तो गुरुदेव के चरणों में फिर आनंद लीजिए, टेंशन किस बात की है, पूरा दृढ़ संकल्प लेकर वहां जुट जाइए।